morning, students. Chapter 2nd, our heritage and part 5th. And these are today's word meanings. And first meaning is historical. H-I-S-T-O-R-I-C-A-L. क्या है H-I-S-T-O-R-I-C-A-L. Historical. Historical means क्या होता है ऐतिहासिक. Next है monument. M-O-N-U-M-E-N-T. M-O-N-U-M-E-N-T. Monument means होता है स्मारक. Next meaning is historian. क्या है next meaning? Historian. H-I-S-T-O-R-I-A-N. Historian. Historian means होता है इतिहासकार. Next है study. S-T-U-D-Y. Study. Study means होता है अध्ययन करना. अपन स्टडी करते हैं चैप्टर को, तो आपको कहा जाता है स्टडी करना है, तो इसको रीड करना है आपको, तो इसका आपको पढ़ाई करनी है इसके बारे में. नेक्स्ट हमारे मीनिंग क्या है फिफ्थ वाला, नॉलेज. के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई. नॉलेज. नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान होना या जानकारी होना. तो नॉलेज मीन्स क्या होता है, उसके बारे में आपको पहले से उसके बारे में जानकारी है, तो नॉलेज. नेक्स्ट है स्किल. एस के आई डबल एल. स्किल होना. स्किल मीन्स कौशल होना, निपुण होना. नेक्स्ट आर्टिस्ट. ए आर टी आई एस टी. आर्टिस्ट. आर्टिस्ट मीन्स कलाकार. नेक्स्ट टैलेंट. टी ए एल ई एन टी. टैलेंट मीन्स प्रतिभा. किसी में टैलेंट होता है ना, जैसे आप में भी टैलेंट है, तो उसको प्रतिभा कहा जाता है. नेक्स्ट डैमेज. डी ए एम ए जी ई. डैमेज करना. डैमेज मीन्स खराब करना. डैमेज मतलब हो जाता है भाई, खराब हो गया, नष्ट हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, डैमेज करना. नेक्स्ट है Definitely. D E F I N I T E L Y. Definitely means निश्चित रूप से. क्या मीनिंग है D E F I N I T E L Y. Definitely. Definitely means निश्चित रूप से. Definite होना, तो निश्चित होना, तो definitely निश्चित रूप से. Okay? नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे. तो ये हमारे वर्ड मीनिंग्स थे जिसके हमने आज रीडिंग की, तो आप इनको अपने नोटबुक में लिखेंगे और लर्न भी करेंगे. ओके अब नेक्स्ट, तो आज हमें कहाँ से रीड करना है, लेट्स फाइंड आउट से. ओके हमने प्रीवियस वीडियो में इससे पहले वाला पढ़ चुके थे, तो आप उसको लेट्स फाइंड आउट करना है, हमें उसे खोजना है. अवर मटेरियल हेरिटेज के बारे में क्या करना है हमें, किसको रीड करेंगे हम, अवर मटेरियल हेरिटेज, यानी हमारे भौतिक जो हेरिटेज होती है, विरासत है, उसे हम स्टडी कर रहे हैं. तो मटेरियल हेरिटेज. हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स. प्लेसेस ऑफ वॉरशिप. स्टेचू एंड गार्डन. पेंटिंग एंड बुक्स. विच हैव बीन ब्लीट इन द पार्ट फॉर्म अवर मटेरियल हेरिटेज. हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट. हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट मीन्स, हिस्टोरिकल मीन्स क्या होगा, ऐतिहासिक जो होते हैं. मोन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक हैं, तो ऐतिहासिक स्मारकों को और बिल्डिंग्स होती है जो इमारतें बनी हुई होती है. प्लेसेस ऑफ वॉरशिप होते हैं, हमारे पूजा के स्थान बने होते हैं. स्टेचूज होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, और गार्डन्स भी होते हैं, बगीचे होते हैं. पेंटिंग्स होती है बनी हुई, और किताबें होती हैं. विच हैव बीन ब्लीट इन द पास्ट फॉर्म अवर मटेरियल हेरिटेज. जो कब, जिस इनका निर्माण कब हुआ था, ब्लीट यानी बनाया गया था, निर्माण हुआ था पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं हुआ था. प्रेजेंट यानी अभी वर्तमान है, लेकिन पास्ट में हुआ था. तो इनका निर्माण हमने कब किया, तो पास्ट में हुआ था, और ये अवर हवर नेशनल मटेरियल हेरिटेज कहलाती है, यानी हमारी भौतिक
विरासत कहलाती है। तो जो भी ऐतिहासिक आपको स्मारक दिखाई देते हैं, बिल्डिंग्स दिखाई देती है, या मंदिर जाते हो आप पूजा के लिए, मूर्तियां दिखाई देती है, गार्डन्स दिखाई देते हैं, पेंटिंग्स दिखाई देती है और बुक्स भी होती है, वो हमारी सब क्या है, मेटेरियल हेरिटेज है। ओके, नेक्स्ट है हमारे, दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट अवर पास्ट। दे हेल्प अस, वे हमारी सहायता करते हैं, किस में करते हैं, लर्न करने में, लर्न यानी सीखने में, किसके बारे में सीखने में, पास्ट को सीखने में, अबाउट अवर पास्ट, हमारे पास्ट को सीखने में मदद करते हैं। जैसे कि आप लोग किसी राजा के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आपको शिवाजी के बारे में रीड करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो उनको उनकी बुक्स के थ्रू ही तो हम पढ़ते हैं ना, बुक्स के बारे में जानते हैं, या उनके कुछ पेंटिंग्स हम देखते हैं, या कुछ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स बने हुए होते हैं, या उनकी कोई स्टोरी हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ वो इतने ब्रेव पर्सन थे, इतने उन्होंने इतनी फाइट्स की थी, तो ये सब हमको पता चलता है। तो ये सब हम कब जानते हैं, इन चीज़ों से हमें जो मटेरियल हेरिटेज है, जो हमारी भौतिक विरासत है, उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, किसके बारे में, अबाउट अवर पास्ट, हमारे पास्ट के बारे में मिलती है, यानी भूतकाल के बारे में मिलती है। ओके, आगे है मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स मीन्स स्मारकों को कहा जाता है। तो मॉन्यूमेंट्स सच एज, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, सच एज केव्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन्स एंड प्लेसेस ऑफ वॉरशिप फॉर्म ए पार्ट ऑफ अवर मटेरियल हेरिटेज। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट जो स्मारक होते हैं, सच एज, वो किस रूप में होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि मॉन्यूमेंट्स को स्मारक को कहा जाए, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, केव्स के रूप में हो सकते हैं, गुफाओं के रूप में, फोर्ट्स किलों के रूप में, पैलेसेस हो सकते हैं, महल हो सकते हैं, गार्डन्स भी हो सकते हैं, बगीचे हो सकते हैं, और प्लेसेस ऑफ वॉरशिप, और हमारे पूजा के जो स्थान होते हैं वो भी हो सकते हैं। फॉर्म ए पार्ट ऑफ अवर, और ये किसका निर्माण करते हैं, हमारे जो मटेरियल हेरिटेज होते हैं उसी का एक हिस्सा होते हैं, यानी भौतिक विरासत का। हिस्टोरियन स्टडी देम टू नो मैनी थिंग्स अबाउट द पास्ट। जो ये इतिहासकार होते हैं हमारे, स्टडी देम, वो उन सब का अध्ययन करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, किसके बारे में, अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में। लाइक द, कैसे, लाइक द नेम, वो क्या क्या चीज़ों की स्टडी करते हैं, लाइक द नेम ऑफ द किंग्स पर्सन्स हु ब्लीड देम, वो ये जानते हैं, मतलब करते हैं पास्ट के बारे में, कि राजा कौन था, व्यक्ति कौन था जिसने उसका निर्माण किया। अब कभी हम जाएंगे, हमें कोई बिल्डिंग्स देखेंगे, तो हमें थोड़ी पता है कि हु ब्लीड इट, इसे किसने बनाया, तो हमें नहीं पता, हम तो उसको देख के ये आइडियाज़, फिर हम जब उसको हिस्टोरियंस के द्वारा देखते हैं, इतिहासकारों के द्वारा पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कहीं, तो हमें उसके बारे में नॉलेज होती है कि उस राजा के द्वारा बनाया गया था। द टाइम when these were built, the way the kings and common people lived, और टाइम के बारे में कि किस समय बना ये, when these were built, ये जब इसका निर्माण हुआ था, the way the kings, और एक तरीका जो राजा और common people रहते थे। कभी क्वेश्चंस होते हैं ना, राजा कैसे रहते थे, सामान्य लोग कैसे रहते थे, ये सारे क्वेश्चंस उनके थ्रू हमें पता चलता है। whether they were रिच और पुअर, रिच और पुअर, देयर नॉलेज अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आवर हेरिटेज, वेदर दे वर रिच और, और यहाँ तक कि वे क्या थे, अमीर थे या गरीब, और उनकी नॉलेज कैसी थी के बारे में भी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आवर हेरिटेज, यानी उनकी जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें भिन्न भिन्न प्रकार से जो विरासत में है उनसे हमें उनकी जानकारी प्राप्त होती है। ओके, तो मॉन्यूमेंट्स क्या है हमारे, जो हम किसी भी थ्रू हम कर सकते हैं, प्लेसेस के थ्रू, फोर्ट्स के थ्रू, कैफ्स के थ्रू, गार्डन्स के थ्रू, या वर्शिप जो होती है, हमारे टेंपल्स बने होते हैं उनके थ्रू भी हम मटेरियल हेरिटेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारे हैं, अवर हेरिटेज ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग,
building and the skill and talent of the artists who built these monuments. जो material use होते हैं making building, अब देखिए buildings को बनाने के लिए material भी तो होगा ना, कोई उनको काम में लेने वाले पदार्थ भी होते हैं, वो भी होते हैं, skills होती है and the skills, और उनकी जो skills होती है मतलब skills क्या है अपनी, उनमें क्या योग्यताएं थी, talent था उनमें, प्रतिभा थी कलाकारों में. Who built this monument, जिन्होंने इसका क्या किया, monuments का निर्माण किया. तो यानी हमें इन सब के बारे में पता चलता है कि हम ये जब चीज़ें पास्ट के बारे में पढ़ते हैं तो ये मोन्यूमेंट्स के थ्रू हमें पता चलता है कि अरे उनमें कितनी स्कूल स्किल्स थी, उनके बारे में निपुणता थी, टैलेंट भी था उनमें, और जो कि ये आर्टिस्ट कितने थे जिन्होंने, कलाकारों ने जिन्होंने इसका निर्माण किया था. लुक एट द पिक्चर ऑफ द, अब देखिए आप सबको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, तो लुक एट द पिक्चर ऑफ द विजय विठल टेम्पल. ये देखिए फिगर फोर में लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक. अब देखिए पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, तो ये इस पिक्चर को आप देखिए, तो ये क्या है हमारे, ये विजय विठल टेम्पल है जो कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटक में. ये कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में. तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो आपको ये देख के मतलब एक अजीब सी फीलिंग्स आएगी कि कैसे इसको बनाया गया था. तो ये देखिए इसीलिए इसका मतलब एक एग्जाम्पल लिया गया है. अब नेक्स्ट है हमारे, तो ये देखिए इसके में कैन यू इमेजिन दैट दिस टेम्पल वाज बिल्ट अराउंड 600 ईयर्स एगो. क्या आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि ये टेम्पल जो है वो कितने साल पहले बनाया गया था, मतलब 600 ईयर्स एगो, यानी इतने साल पहले, 600 ईयर्स एगो पहले इसको करीब बनाया गया था. व्हेन दे वर नो मॉडर्न मशीन्स, और जब क्या थी, कोई मॉडर्न मशीन भी नहीं थी. देखिए आजकल तो हमारे पास में कितनी मॉडर्न मशीन्स चल गई है, तो हम उसके थ्रू बहुत सा जल्दी जल्दी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं करने के लिए. हाउ टैलेंटेड द आर्टिस्ट मस्ट हैव बीन टू मेक such beautiful carvings on rocks. देखिए कितने टैलेंटेड थे कलाकार जिन्होंने मतलब इस तरह की such beautiful carvings की on rocks, यानी चट्टानों की carving करना, carving यानी खुदाई करना. कैसे खुदाई करना, ऐसे नहीं खोदते हैं हम dug करते हैं, वैसे नहीं, इसको वैसे करना कि वैसे उनको जैसे पत्थरों को उकेर के बनाया जाता है, तो उस तरह सुंदर सुंदर उन्होंने कार्विंग की ऑन रॉक्स चट्टानों पे. द ह्यूज पिलर्स ऑफ द टेम्पल प्रोड्यूस डिफरेंट म्यूजिकल ट्यून्स. अब देखिए इसमें बड़े बड़े उन्होंने पिलर्स भी बनाए, ह्यूज पिलर्स बनाए जो टेम्पल के अंदर, मंदिर के अंदर, जो अलग अलग म्यूजिकल ट्यून्स को प्रोड्यूस करते हैं. मतलब उसमें क्या क्वालिटीज डाली उन्होंने, अलग अलग म्यूजिकल ट्यून्स भी डाली जो उत्पादित करती है. हैव यू सच ए वंडरफुल टेम्पल बिल्ट इन द मॉडर्न टाइम्स, हैव यू बी सीन सच ए वंडरफुल टेम्पल. क्या आपने कभी इस तरह का एक अद्भुत सा टेम्पल देखा जो बिल्ट इन द मॉडर्न टाइम, इस मॉडर्न टाइप में जिसको बिल्ट किया गया हो, देखा है क्या आपने? मतलब अभी हमने जो पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास में देर वर नो मॉडर्न मशीन्स, जब वहाँ पे कोई मॉडर्न मशीन्स भी नहीं थी, तो आपने मॉडर्न टाइप में इस तरह के टेम्पल्स को देखा या इस तरह के फोर्ट्स को देखे? फोर्ट्स तो हम बनाते ही नहीं, अब तो किले विले महलों का तो समय ही गया है ना. तो मॉडर्न टाइप से आपने कोई टेम्पल देखा? नहीं देखा होगा, और ऐसा बन भी नहीं सकता. कैन इट बी मेड अगेन इफ वी डैमेज इट, क्या हम इसे दोबारा बना सकते हैं यदि हम इसको डैमेज कर देते हैं तो. डैमेज कैसे, जैसे कई लोग होते हैं ना कि उनको कहीं जाएंगे तो उसको ख़राब कर देंगे किसी तरह से, तो डैमेज कर देते हैं, तो डैमेज नहीं करना है. तो अगर हम इस तरह से डैमेज कर देंगे तो ये सोचिए कि बन सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, निश्चित रूप से नहीं बन सकते. वी मस्ट आर गुड केयर
We must take good care of our monuments, otherwise the coming generation would learn about the past of our country only through pictures. We must take good care. हमें सबको क्या करना चाहिए? इन monuments की care करनी चाहिए. अगर नहीं तो अन्यथा क्या होगा? जो आने वाली generation है ना, वो सब इसको जो past के बारे में सीखती है ना, वो country के बारे में रहे, तो उनको हम कहाँ देखेंगे? Pictures में देखेंगे और हम ये बताएंगे कि ये पहले ऐसा था, फिर ऐसा होता था. तो otherwise the coming generation would learn about the past of our country only through picture. अन्यथा अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे तो जो आने वाली generation वो क्या है, वो किससे सीखेगी? Past के बारे में pictures को देख के सीखेगी. Understand student? तो आप समझ गए? तो आप ये यहाँ तक ये टिक करेंगे और इसको रीड करेंगे. तो इन चीज़ों के आपको इस वीडियो को वॉच भी करना है, मतलब वॉच करते हुए उसको रीडिंग करना, आप मतलब एज इट इसको रीडिंग भी लिया करो. ओके एंड थैंक यू.